हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है टेक गुरु चैनल पे और मैं हूँ आपका टेक गुरु। दोस्तों, ये वीडियोज हम बना रहे हैं आज उन लोगों के लिए जो आपकी खुद की शॉप, खुद की कंपनी, खुद का कोई बिजनेस दुबई में स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं उन लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो डायरेक्टली तो कुछ नहीं कर सकते, उनको यहाँ पे पहले विजिट वीज़ा पे आना होगा। दोस्तों, अभी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। पहले वाला तो ऑप्शन ये है कि आपको यहाँ पे विजिट वीज़ा पे आना है, आपका स्पॉट फिक्स करना है कि आपको कहाँ पे बिजनेस करना है, मतलब दुबई, अबू धाबी, शारजा, अजमान, कहाँ पे आपकी फैक्ट्री है, आपका कोई मतलब शॉप है। अब अगर शॉप करना है तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, दिक्कत नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अगर सिंपली एक ग्रॉसरी शॉप का मैं एग्जांपल देता हूँ या रेस्टोरेंट का आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। आपको अगर आपकी खुद की शॉप अबू धाबी में स्टार्ट करनी है तो आपको पहले तो आपका ट्रेड लाइसेंस निकलना पड़ेगा। ओके, ट्रेड लाइसेंस का एग्जैक्टली तो मुझे कितना जाता है पता नहीं है पैसा, मगर अराउंड 1 लाख इंडियन रुपीस के ऊपर होता है, ठीक है। तो ट्रेड लाइसेंस के बाद बहुत सारी प्रोसीजर होती है दोस्तों, मतलब यहाँ पे अगर उसमें आप लोग अगर खुद नहीं जानते हो तो यहाँ पे बहुत सारे कंपनीज है जो आपका बिजनेस सेटअप करने में आपकी हेल्प करते हैं। ओके, तो मगर वो भी बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है कि आप किसी की हेल्प ले लो। आपको अगर शॉप शुरू करनी है तो आपको पहला ट्रेड लाइसेंस निकालना है। ट्रेड लाइसेंस निकालने के बाद बैंक गारंटी होती है, बैंक गारंटी में आपको कुछ पैसा रखना पड़ता है। उसके बाद आपकी शॉप आप रेंट पे ले सकते हो। ओके, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप मतलब आपको यहाँ पे जो भी कुछ करना है ना उसके लिए आपको लोकल पार्टनर की भी जरूरत होती है दोस्तों, ये मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, तो वो पार्टनर भी डिफरेंट टाइप्स के पार्टनर होते हैं, मतलब कहाँ कहाँ 50% के पार्टनर होते हैं, कहाँ कहाँ आप सेटलमेंट कर सकते हैं कि मैं ईयरली आपको इतना पैसा दे दूंगा, मतलब डिपेंड होता है वो पार्टनर। तो पहली बात तो ये है कि आपको यहाँ का लोकल पार्टनर होना ही होना है, मतलब आपको यहाँ पे लोकल पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है अगर आपको खुद का बिजनेस डालना है, ठीक है। उसके बाद ये सब प्रोसीजर होने के बाद एक 10-15 दिन का टाइम जाता है, उसमें आपकी सब प्रोसीजर कंप्लीट हो जाती है, आपको एक लाइसेंस मिलता है, ट्रेड लाइसेंस। और ट्रेड लाइसेंस मिलने पर आपको शॉप भी रेंट पे मिल जाएगी। शॉप रेंट पर मिलने के बाद आपको खुद का वीज़ा, बिजनेस वीज़ा जो होता है, आप इन्वेस्टर हो गए ना अब, तो आपको खुद का वीज़ा भी लग जाता है दोस्तों, मतलब। और यहाँ पे इन्वेस्टर का वीज़ा होता है 3 साल का, मतलब आपका खुद का अगर बिजनेस है खुद का तो आपको 3 साल का वीज़ा होता है, every 3 years आपको रिन्यू करना पड़ता है खुद का वीज़ा। आप यहाँ पे तब तक रह सकते हो जब तक आपका बिजनेस यहाँ पे चलता रहता है, मतलब आप यहाँ पे 20 साल बिजनेस करो, 30 साल, 50 साल, जब तक आपका बिजनेस यहाँ पे है आप यहाँ पे आपके वीज़ा, खुद के वीज़ा पे यहाँ पे रह सकते हो। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे पूछा कि यहाँ पे PR मिलता है क्या, PR मतलब परमानेंट रेसिडेंट, तो यहाँ पे PR नहीं मिलता है दोस्तों। ओके, यहाँ पे ये कंट्री PR नहीं देती है। आप काम करो, जॉब करो, यहाँ पे रहो, आप खुद का बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट करो, जितने साल आपका बिजनेस है आप यहाँ पे रह सकते हो, ठीक है। आपकी बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि सर एक वीडियो बनाओ जहाँ पे हमको बिजनेस स्टार्ट करना तो क्या क्या करना पड़ता है, तो फिर एक बार मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पे 3 महीने के विजिटिंग वीज़ा पे आना है या 1 महीने के, पहले 1 महीने का 2 महीने का होता था, 2 महीने में पूरा होता था काम सब, मगर 1 महीने में मुझे नहीं लगता पूरा सब होगा, तो 3 महीने आप आ जाओ तो बेहतर है, मतलब 3 महीने रहने की ज़रूरत नहीं होती है। 3 महीने आपका काम होने के बाद आपको यहाँ से कंट्री छोड़ के फिर एग्जिट मार के यहाँ पे आना पड़ता है, ठीक है। तो 3 महीने का ले लो वीज़ा, यहाँ पे आ जाओ, स्पॉट फिक्स करो आपको कहाँ पे बिजनेस करना है, कहाँ पे आपकी शॉप खोलनी है, जो भी कुछ भी हो। अगर आपको वुडन की फैक्ट्री, एक बंदे ने मुझको पूछा था कि वुडन फैक्ट्री सर मुझको स्टार्ट करें, तो आप वो लोग मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आपको अगर कोई फैक्ट्री शुरू करनी है तो आप सिटी में नहीं कर सकते,
हर सिटी में, दुबई में, अबू धाबी में, मतलब जो भी सिटी है वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया होता है एक, ओके, मतलब एक एरिया ऐसा होता है जहाँ पे आप फैक्ट्री शुरू कर सकते हो। तो आपको अगर अभी वो वुडन फैक्ट्री आप अगर आपको शुरू करनी है तो अबू धाबी में मुसफ़ा बोल के एक एरिया है, मुसफ़ा, उसका नाम है मुसफ़ा, तो वो इंडस्ट्रियल एरिया होता है, उसमें वहाँ पे आप आपकी फैक्ट्री शुरू कर जाते हो, कर सकते हो। वहाँ पे रेंट भी कम होता है, मतलब एज कम्पेयर टू सिटी वहाँ पे रेंट बहुत कम होता है। तो वहाँ पे आपको जगह देख के फिक्स करना है, ट्रेड लाइसेंस निकालना है, ट्रेड लाइसेंस मिलने पे आपको हो जाता है, और आपके आपको आपके मतलब आपके कंट्री से ही आपको, मतलब जो काम करने वाले बंदे आपका काम करने वाले बंदे फिर आपसे आप कंट्री से ही लेके आ सकते हो। पहले आपको आना है यहाँ पे, ट्रेड लाइसेंस निकालना है, सब सेटिंग करना है यहाँ पे, फिर आपका वीज़ा वीज़ा सब मिलने के बाद आप बंदों को हायर कर सकते हो आपके कंपनी में, आपके फैक्ट्री में आप बंदे रख सकते हो, ठीक है। आपकी कोई भी कमेंट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मुझे ईमेल कीजिए, मैंने सबको ईमेल दिया हुआ है, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ठीक है। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल यहाँ पे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आप मेरी वीडियोस बार बार नेक्स्ट वीडियो देख सकते हो। मेरी वीडियो पूरा देखा करिए दोस्तों, क्योंकि छोटा छोटा पॉइंट होता है, आपका मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको अगर कोई टॉपिक पे आपकी वीडियो चाहिए होगी तो कमेंट बॉक्स में या मुझे ईमेल कीजिए कि सर इस पर वीडियो बनाओ। बहुत सारे बंदों मुझको पता थे कि सर इस पर वीडियो बनाओ, उस पर वीडियो बनाओ, तो मैं ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ। चलो बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।